सॉरी स्टूडेंट, वो वीडियो में थोड़ा एरर हो गया था। हाँ, तो वो जो क्वेश्चन था, ऑर्थोडॉक्स सीड रिकेल्सिस एंड सीड सीड प्लॉट और सीड डोरमेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऑर्थोडॉक्स सीड वो होते हैं जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर कंटेंट पे, जैसे सीड ऑफ सीरियल। और रिकेल्सिस एंड सीड वो होते हैं जो कि वाइबल नहीं रहते बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, और ड्रास्टिक लॉस ऑफ वाइबिलिटी होता है जब मॉइस्चर 12 to 14% से नीचे जाता है। तो मैंगो और कोकोनट आपके रिकेल्सिटेंट के एग्जाम्पल है। अभी स्टूडेंट ये सीड प्लॉट टेक्निक पूछी थी, सीड प्लॉट टेक्निक पुष्करनाथ ने बनाई थी, और ट्रू पोटैटो सीड जो है वो रामानुजन ने बनाया था, उसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ये सीड प्लॉट टेक्निक में हमें डिजीज फ्री मतलब वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल चाहिए होता है, और जो वायरस होते हैं वो एफिड ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए हम न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस करते हैं अप्रैल टू अगस्त में, जब एफिड की पॉपुलेशन काफ़ी लो होती है हिल्स में। उसके बाद उसे प्लेन्स में ले आते हैं और उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं अक्टूबर तक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट डॉर्मेंसी के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए, स्कैरिफिकेशन में क्या होता है कि हम सीड कोट को सॉफ्ट करते हैं ताकि वो वाटर और गैसेस के लिए परमिएबल हो जाए। पोटेशियम नाइट्रेट स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर है, ध्यान रखिएगा। ये थायो यूरिया वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको मेनली पोटैटो के केस में यूज करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन स्टूडेंट लो टेम्परेचर चाहिए होता है चिलिंग स्ट्यूमुलस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। सी को 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं 12 से 24 घंटे के लिए। तो प्लीज स्टूडेंट, इतनी चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस गिवन बाय स्टूडेंट, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए आपसे। ऑप्शन ए वोल्फ, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी वीजमैन। अभी स्टूडेंट ये चारों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी कंट्रीब्यूशन आपको पता होने चाहिए। स्टूडेंट देखिए, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस दी थी वोल्फ ने, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दी थी लेमार्क ने, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस दी थी डार्विन ने, थ्योरी ऑफ जर्म प्लास्ट दी थी वीजमैन ने, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टूडेंट ध्यान रखिएगा सटन एंड बोवरी ने दी थी, और वो ध्यान रखिएगा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस एंड मॉर्गन को बोलते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, वैसे आसान है कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड इज बोथ एक्टो प्लस एंडो पैरासाइट, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निमेटोड एक्टो और एंडो पैरासाइट दोनों है। ऑप्शन ए एंग्विना, ऑप्शन बी डिटिलेंकस, ऑप्शन सी एफलेंकॉइड्स, ऑप्शन डी ऑल। अभी स्टूडेंट काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर ऑल करेंगे, वैसे ऑल ही आंसर सही है। तो स्टूडेंट ये एक्टो पैरासाइट में जिफिनी में ध्यान रखिएगा, और एंडो पैरासाइट में प्रेटिलेंकस और मिलेडोगाइने ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय स्टूडेंट, ये 100% स्टूडेंट्स ने सही कर लेना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्लैक हार्ट पोटैटो का किसकी वजह से होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑप्शन सी अल्टरनेरिया सोलनी, या ऑप्शन डी ज़ैंथोमोनस। स्टूडेंट देखिए, पहला ऑप्शन था सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम वार्ट डिसीज कॉज करता है पोटैटो में, ठीक है। और देखिए एक ऑप्शन था स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस आपका स्कैब कॉज करता है, ऑक्सीजन स्टारवेशन की वजह से ब्लैक हार्ट होता है, जो कि इसका राइट आंसर था। अर्ली ब्लाइट आपका अल्टरनेरिया सोलनी की वजह से होता है, और लेट ब्लाइट आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से आयरिश पोटैटो फेमाइन आया था, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन था स्टूडेंट ज़ैंथोमोनास, तो ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पैथोवेराइटी मालवेशियम से आपका बैक्टीरियल ब्लाइट या एंगुलर लीव स्पॉट या फिर ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिंगर एंड टो डिसीज ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय, आपको बताना है कि फिंगर और टो डिसीज क्रूसीफर के कौन कॉज करता है। ऑप्शन ए बोरॉन डिफिशियंसी, ऑप्शन बी मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी, ऑप्शन सी प्लाज्मा डियोफोरा ब्रैसिकेसी, या ऑप्शन डी नन। अभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखो ये आप एलिमिनेट करके कर दोगे, फिंगर एंड टो डिसीज पूछा है, वैसे ऐसा लॉजिक मत लगाना कहीं पे। स्टूडेंट देखिए, क्रूसीफर में चार चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका जो व्हाइट ब्लिस्टर है, ये स्टूडेंट एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से होता है। उसके बाद ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बोरॉन डिफिशियंसी की वजह से होता है, एक ऑप्शन मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी भी था, ये तो स्टूडेंट इतनी बार पूछा गया है, पता नहीं क्यों इतना एग्जामिनर्स को पूछते हैं। विफ्टेल, उसके बाद जो मैंने पूछा था फिंगर एंड टो डिसीज, ये आपका प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकेसी की वजह से होती है, और फॉर्म क्लब शेप, इसमें क्लब शेप की रूट्स हो जाती हैं, इसको फिंगर टो डिसीज भी बोलते हैं और क्लब रूट डिसीज भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स को ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। जो मैं एलिमिनेट करने वाली बात कर रहा था स्टूडेंट, बाकी मतलब जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ना, डिफिशियंसी थे तो आपसे मैंने डिसीज पूछा था, तो हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही नहीं होता, जैसे खैरा डिसीज है वो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन उसको कहते डिसीज ही हैं, तो बहुत सारी ऐसी भी हैं डिसीजेस जो डिसऑर्डर्स हैं एक्चुअली, तो वैसे लॉजिक मत लगाना ये एलिमिनेट करने वाला इस केस में, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, जब श्योर हो तभी टिक मानना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पायरिला पर्पिसवेला इज अ पेस्ट ऑफ शुगर केन कॉमनली नोन एज, आपको बताना है कि पायरिला पर्पिसवेला जो शुगर केन का पेस्ट है उसका कॉमन नाम क्या है।
ऑप्शन ए शुगरकेन मिलीबग, ऑप्शन बी गुरदासपुर बोरर, ऑप्शन सी शुगरकेन स्केली इंसेक्ट और ऑप्शन डी शुगरकेन लीफ हॉपर। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था राइस वीट स्टोरेज और शुगरकेन के पैसे आपको ध्यान होने चाहिए, चाहे और जो भी छोड़ दो आप। स्टूडेंट सबसे पहले आता है टॉप बोरर ऑफ शुगरकेन स्काइरोफेजा निवेला, इसका नाम होता है, पाइलेडी फैमिली में आता है, बंची टॉप और डेड हार्ट इसके दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट शुगरकेन लीफ ऑपर पारेला पर्पिसवेला जो कि इसका राइट आंसर था, लोफिडी फैमिली में आता है, हेमिप्टेरा का है ये। उसके बाद शुगरकेन व्हाइट फ्लाई आता है स्टूडेंट एरिरोबोलस बारबेडेंस, ये एरोलिडी में आता है और हेमिप्टेरा, ये फैमिली और फैमिली ध्यान नहीं रखोगे तो चल जाएगा। शुगरकेन मिलीबग सैक्रिकोकस सैक्री सुडोकॉक्सिडी और हेमिप्टेरा, शुगरकेन केन शूट बोरर काइलो इन्फेस्टिकुलस, ये स्टूडेंट ध्यान रखेगा, शुगरकेन शूट बोरर काइलो इन्फेस्टिकुलस, पायरेलिडी लेपिडोप्टेरा, गुरदासपुर बोरर एकिगोना स्टीरेला, पायरेलिडी लेपिडोप्टेरा, शुगरकेन इंटरनोड बोरर काइलो सैक्रिफेगस और शुगरकेन स्केल इंसेक्ट मेलेनोप्सिस ग्लोमेरुलस। और इसी बार स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मस्क मेलन इज हार्वेस्टेड एट फुल स्लिप स्टेज एक्सेप्ट। मस्क मेलन को जनरली हम फुल स्लिप स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं, एक ऐसी वैरायटी है जिसको हम फुल स्लिप स्टेज पे हार्वेस्ट नहीं करते, उसको हम नेटिंग स्टेज पे हार्वेस्ट कर लेते हैं। आपको बताना है वो कौन सी वैरायटी है। ऑप्शन ए दुर्गापुर मधु, ऑप्शन बी अर्का राजहंस, ऑप्शन सी हरा मधु, ऑप्शन डी पंजाब कोमल। अभी स्टूडेंट मस्क मेलन में बहुत सारी वैरायटी हैं, दुर्गापुर मधु है, हरा मधु है, अर्का जीत है, पूसा मधुरस है, पूसा रसराज है, पंजाब सुनहरी है, अर्का राजहंस है, DMRDR है। ये स्टूडेंट एक मैंने वैरायटी पूछी थी पंजाब कोमल, पंजाब कोमल ये बॉटल गॉड की वैरायटी है, ये मस्क मेलन की वैरायटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसकी एक वैरायटी है पूसा मंजरी सम्राट, पूसा मंजरी शायद 2018 में पन्नगर पेपर में आई थी, ये बॉटल गॉड की वैरायटी है, ध्यान रख लीजिएगा। देखिए जो हरा मधु वाला है इसको नेटिंग स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं, इसको फुल स्लिप स्टेज में हार्वेस्ट नहीं करते, ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसका सीड रेट मस्क मेलन का 1.5 to 2 kg पर हेक्टेयर होता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ न्यू हैबिटेट वेयर इट कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, उसको क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक न्यू हैबिटेट में एडजस्ट करता है जहां पे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। ऑप्शन ए सिलेक्टिविटी रेशियो, ऑप्शन बी इकैसिस, ऑप्शन सी इंटेंसिटी फैक्टर, ऑप्शन डी एफिमेरल। अरे हाँ स्टूडेंट ये ध्यान रख लीजिएगा, एक वैरायटी में आपको बताना भूल गया, एक वैरायटी है हिसार अरुण, ये टमाटो की वैरायटी है, इस बार BHU एंट्रेंस में पूछी गई थी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और जो दो दिन पहले मैंने आपको वीडियो बना के दिया था कि कोको की फैमिली सर्कुलेसी है, जो मेरे रूममेट हैं वो हॉर्टिकल्चर से हैं, तो उन्होंने कहा कि फैमिली चेंज हो गई है, अब कोको की फैमिली मालवेसी हो गई है, तो कहीं पर अगर मालवेसी ऑप्शन है और नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो मालवेसी को पहले टिक मारिएगा, क्योंकि फैमिली अब चेंज हो गई है, मतलब नई फैमिली कोको की मालवेसी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने पूछा, एक ऑप्शन ने रखा था सिलेक्टिविटी रेशियो, सिलेक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डोज टॉलरेटेड बाय द क्रॉप टू मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू किल द वीट, मतलब मैक्सिमम डोज कितना झेल सकती है हर्बिसाइड का क्रॉप और मिनिमम डोज कितना चाहिए बीज को मारने के लिए, उसको हम सिलेक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक ऑप्शन था एफेमेरल, जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल 2 to 4 weeks में कंप्लीट कर लेते हैं ड्रॉट को एस्केप करने के लिए, उनको हम एफेमेरल बोलते हैं। एक ऑप्शन था एकैसिस या फिर कैसिस, जो भी आप इसकी स्पेलिंग लिखो, ये इसका राइट आंसर था, इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ न्यू हैबिटेट वेयर इट कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। और स्टूडेंट एक इंटेंसिटी फैक्टर था, इंटेंसिटी फैक्टर और क्वांटिटी फैक्टर आपने फॉस्फोरस के केसेस में पढ़े होंगे, इंटेंसिटी फैक्टर मतलब कितना अवेलेबल फॉस्फोरस है, कितना H2PO4 नेगेटिव और HPO42 नेगेटिव आपका सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो पर इतना डिस्कस करेंगे, आई एम होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज दूसरे बैचमेट्स के साथ और दूसरे जूनियर्स के साथ भी इसको शेयर करना। अगर कोई भी क्वेश्चन का रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है या किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है प्लीज मुझे मैसेज करना। थैंक यू।